पिछले वर्ष लॉकडाउन में जिस ज्योति कुमारी ने अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर हरियाणा से दरभंगा तक का सफर तय किया था और देश से लेकर पूरी दुनिया में उनको साइकिल गर्ल की पहचान मिली, अब उसी पिता का साया उनके सर से बीते दिनों उठ गया। जैसे ही उनके पिता के निधन की खबर सामने आई, मिथिला से लेकर पूरे देश से शोक संवेदनाओं का अंबार लग गया। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी जाले से पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी के हाथों ज्योति के लिए एक संवेदना पत्र भेजा है। इस पत्र में साफ लिखा है कि खुद प्रियंका गांधी और पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा है। मशकूर उस्मानी ने भी ज्योति को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे उनके करीब ही हैं, जब भी आवश्यकता हो वो उनके लिए हर रूप में खड़े रहेंगे। हम उनसे पूछ लिए हैं कि कोई और जो भी होता है ना, कभी कभी एकदम से फोन आता है तो समझ नहीं पाता आदमी। हालांकि हम इनको पहले बोले, ब्रीफ किए, पीछे हुए ना, तो परसों जो है कल की शाम में पूरा जानकारी ली जो दीदी के बारे में, क्या है नहीं है, हम सब बता दिए। फिर हम इनसे पहले बात किए, इनको पहले बताएं, जैसे से राहुल जी भी आपसे बात करेंगे, प्रियंका जी भी बात करेंगी, तो दीदी खुद ही इनको कॉल की, हम नंबर दिए, फिर लाइन अप करके जो है इनका बातचीत हो गया। लेकिन कभी कभी होता है कि एकदम से फोन आता है तो बहुत सारी बात हम लोग बोल नहीं पाते हैं, रह जाते हैं। और दीदी का ये निर्देश हुआ मुझे कि आप तमाम कांग्रेस जनों के साथ जाकर जो उनका पत्र है, संवेदना पत्र है, वो पत्र जो है देंगे, वो पत्र भी हम लोग लेके आए हैं, अभी इनको पत्र भी देंगे और पढ़ के भी आप लोगों के सामने उसको हम सुनाएंगे। तो हम इसलिए इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई और ऐसी बात हो गई क्या उस्मानी जी, बात हो गई ना, ना, बात हो गई, फोन रास्ते में ही आ गया, तो बात हो गई, ठीक है। अब इनका पत्र है, जो पत्र कहाँ है लाइए, तो इनका पापा का साया भी नहीं रहा, ये पत्र है जो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने कुमारी ज्योति पासवान जी को भेजा है, संवेदना पत्र। कुमारी ज्योति पासवान जी पुत्री स्वर्गीय श्री मोहन पासवान, ग्राम सिरहौली, पुलिस स्टेशन कमतौल, जिला दरभंगा, बिहार। प्रिय कुमारी ज्योति पासवान जी, आपके पिता श्री मोहन पासवान जी के निधन के समाचार से मुझे बहुत कष्ट हुआ है। मुझे एहसास है कि आपको और आपके परिवार को इस पीड़ा को सहन करना कितना तकलीफदेह होगा। मैं आपके और आपके पूरे परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, आपकी प्रियंका गांधी वाड्रा। ये जो है आपको मैडम ने जो है शोक संदेश भेजा है, बात आपकी फ़ोन पे हो गई, ठीक है। और ज्योति जी बोल रही हैं कि ये मिलना भी चाहती हैं मैडम से, फोटो दे देंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो हाँ, अभी सब इनको हैंड ओवर करेंगे, तो हो जाएंगे फोटो। तो अभी हम लोग जो है बहुत जल्द ज्योति पासवान जी की मुलाकात भी कराएंगे दीदी से, आगे पूरा हर तरह का सहयोग आपके साथ रहेंगे, ठीक है। पहले भी आपको बहुत तरह की मदद बहुत सामाजिक संस्थानों से मिली है, बहुत पॉलिटिकल लोगों से भी मिली है। आप मुझे ये बताइए कि आपकी पढ़ाई तो अभी पिंडारू छाई स्कूल में हो रही है, आप नौवीं क्लास में ना, अभी दसवीं में पहुंच गए हैं आप, पिछले साल नौवीं में, तो आगे आप क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आगे पढ़ाई लिखाई करके? डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, टीचर बनेंगी, साइंटिस्ट बनेंगी, लॉयर बनेंगी, क्या बनेंगी? अभी कुछ नहीं सोचे हैं, जैसा पढ़ाई होगा वैसा। पहले क्या सोच रहे थे? पहले सोच रहे थे पढ़ाई लिखाई पापा कर रहे। आपको ये सोचने का जरूरत नहीं है कि पढ़ाई लिखाई कौन करवाएगा, आप क्या बनना चाहते हैं, आप इस पे मन बनाइए अपना, कुछ अंदर से दिल की ख्वाहिश है कि हाँ हम ये बनना चाहते हैं? लक्ष्य पूरा होगा। अच्छा, नहीं सोचते, ठीक है। तो आप समय लीजिए, इसको सोचिए कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, साइंटिस्ट बनना चाहती हैं, वकील बनना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं। जो भी आप बनना चाहेंगी उसमें जिस तरह का सहयोग होगा पूरी कांग्रेस पार्टी और हम पूरा सहयोग आपका करेंगे।
और आज तमाम आप लोगों के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि श्रीमती कुमारी ज्योति पासवान जी, पुत्री स्वर्गीय श्री मोहन पासवान जी, इनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी, चाहे वो जहाँ तक पढ़ना चाहें, अभी ये 10वीं क्लास में है पिंडारू हाई स्कूल में, आगे ये जहाँ तक पढ़ना चाहेंगी वहाँ तक इनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी जो है हम लोग उठाएंगे, और इनको आगे तक पढ़ाने की जिम्मेदारी हम लोगों की होगी। ये जो पढ़ना चाहे, चाहे डॉक्टर बनना चाहे, चाहे इंजीनियर बनना चाहे, चाहे वकालत करना चाहे, जिस चीज़, जिस कंपटीशन की तैयारी करेंगी, ये हम लोग जो है ये उठाएंगे। और इसके लिए हमारी जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है, जो हमारी नेता हैं, जो हमारे नेतागण हैं, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने हमसे कहा है कि जिस तरह का भी सहयोग हो आप ज्योति जी को पहुँचाएँ, तो हमारा पूरा सहयोग आप तक रहेगा। आप सोचिए कि क्या करना है, अभी सोचने के बाद हम लोगों को बताइए। आपके ड्रेस का खर्चा, आपके किताब का खर्चा, आपकी पढ़ाई लिखाई, जहाँ भी आप पढ़िएगा वहाँ स्कूल का, कॉलेज का फीस जो है वो हमारी तरफ से जमा किया जाएगा, इस बात का हम आपको आश्वासन करते हैं। ऑन रिकॉर्ड सब लोगों के सामने ये कह दिए, मीडिया वाले भी तमाम साथी हैं, आपके घर वाले भी हैं, गाँव इलाके के लोग भी हैं, तो आपको पढ़ाई की अब चिंता नहीं करनी, ठीक है। आप बस अपना लक्ष्य तय कीजिए कि आपको क्या बनना है, क्या करना है जीवन में, इस लक्ष्य के साथ आप जो है आगे बढ़िएगा, हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। ये तो मेरा इलाका है, मेरा घर है, मेरा क्षेत्र है, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि हमको खोजने के लिए जो है आपको कहीं और जाना पड़ेगा। आप एक फोन उठाइएगा, हमसे बात कीजिएगा, जिस तरह का भी प्रॉब्लम होगा हम लोग करते हैं।